बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है सब्ज़ी पुलाव। इससे पहले कि रेसिपी बनानी शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सब्ज़ी पुलाव बनाने के लिए 2 प्याली बासमती चावल लिए हैं। इनको 3 पानी धोया है और उसके बाद भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। दरमियानी आंच के ऊपर कोई बर्तन रखेंगे खुले मुंह का और इसमें 2 प्याली पानी की शामिल कर दी है। 1 चाय का चम्मच नमक का शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका और अब इस पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ रहा है, अब इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। 1 प्याली मटर, 1 प्याली गाजर क्यूब्स में कटी हुई, 1 प्याली आलू ये भी क्यूब्स में कटे हुए, 1 प्याली फूलगोभी। सिर्फ 1 मिनट के लिए इन सब्जियों को बॉईल करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब चूल्हे को बंद कर देंगे और सब्जियों को किसी छलनी में निकाल लेंगे और इस पानी को ज़ाया कर देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है, 1/4 प्याली तेल की शामिल कर देंगे इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कड़ी पत्ता, 4 खुश्क लाल मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ, 3-4 लौंग, 5-6 काली मिर्चें साबुत, 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा। 1-2 मिनट तेल में ये मसाले जो हैं इनको फ्राई करेंगे। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप की हुई, 2-3 मिनट इस प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज नरम पड़ चुकी है, अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टमाटर चॉप किया हुआ, साथ ही चिकन स्टॉक का 1 क्यूब, 3-4 साबुत हरी मिर्चें। 1-2 मिनट इसको फ्राई करेंगे चीज़ों को। 2 मिनट फ्राई कर लिया है, अब सब्जियां जो छलनी में निकाल के रखी थी वो शामिल कर देंगे। इन सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 3-4 मिनट। एक चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, नमक हसबे जायका, 1/4 चम्मच। सब्जियां आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई सी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उमूमन जो सब्जियां इस्तेमाल होती हैं वो यही हैं जो मैंने डाली हैं। 3 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे इसमें। जैसे ही पानी में उबाल आएगा ये गिवे चावल इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन देके इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि पानी तकरीबन खुश्क हो जाए इसका। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, हल्के हाथ के साथ 1 दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और अब ढक्कन लगा के इसको 10 से 15 मिनट दम पे रखेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, चावल गल चुके हैं।
चूल्हे को बंद कर देते हैं और इन चावलों को डिश आउट कर लेते हैं। सब्जी पुलाव को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है, अब ये रेडी टू सर्व है। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।